इस बोर्ड में प्रॉब्लम यह है कि ऑन बोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है, रैम लगाने पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो भी हम इससे पहले देखते हैं ऑन बोर्ड पे आ रहा है डिस्प्ले कि नहीं। तो अभी चालू हुआ है और ये रिस्टार्ट भी हुआ है, डिस्प्ले आना चाहिए। ऑन बोर्ड पे डिस्प्ले आएगा और ये डिस्प्ले भी आएगा। अभी डिस्प्ले आ गया है तो अभी इसको क्या करेंगे, बंद करके रैम डाल के दोबारा चेक करेंगे रैम पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। अभी रैम इसमें डालेंगे और दोबारा चालू करके देखते हैं। अभी चालू भी हो गया, इसमें सिर्फ चालू हुआ है, एम्पेयर बढ़ेगा 0.61623 ऐसा बढ़ता रहेगा, यानी कि सीपीयू हीट हो रहा है बट रैम रीड नहीं कर रहा है। तो रैम रीड नहीं कर रहा है तो रैम स्लॉट को एक बार सोल्डर करके देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है रैम स्लॉट का पिन कुछ तो ड्राई हुआ है, कोई पिन तो सभी पिन को अच्छे से सोल्डिंग करेंगे। तो दोनों साइड से पेस्ट लगा देंगे और आयरन से सोल्डर करेंगे अच्छे से। सभी पिनों को अच्छे से सोल्डिंग करेंगे एक एक पिन। दोनों साइड से सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद इसे क्लीन करेंगे। फिर इसमें रैम लगाकर देखते हैं। रैम लगाएंगे और इसको सिस्टम को चालू करके देखते हैं। बोर्ड को चालू भी हुआ है और एम्पेयर बढ़ घट रहा है। अभी ये रिस्टार्ट, हाँ रिस्टार्ट होएगा तो डिस्प्ले आएगा। अभी रिस्टार्ट हुआ है, डिस्प्ले आ जाना चाहिए। ये डिस्प्ले आया होगा, डिस्प्ले आ गया है, यानी कि इसमें फॉल्ट रैम स्लॉट का ही था, कोई ना कोई पिन ड्राई हुआ होगा, तो इसलिए पूरा सोल्डिंग किया और डिस्प्ले आ गया।